नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। मुंबई एयरपोर्ट पर 150 करोड़ की तस्करी का खुलासा हो गया है। एक शख्स हीरो के साथ में दुबई भागने की फिराक में है, लेकिन उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई। विस्तार से आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अंजू पाकिस्तान में खुश नहीं है, वो अब भारत आने को बेकरार है। आखिर अंजू किस बात से परेशान हो रही है, आपको पूरी खबर दिखाएंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर चाय पत्ती के पैकेट में छिपाकर ले जाए जा रहे हीरे बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा कारनामा। चेकिंग के दौरान चाय पत्ती का पैकेट फाड़ा तो 150 करोड़ का खुलासा। दरअसल इस पैकेट से निकाली जा रही चाय पत्ती की कीमत 150 करोड़ नहीं है। अब उसमें से निकल रहे ये छोटे छोटे पाउच देखिए, और इन पाउच में चमक बिखेर रहे ये छोटे छोटे टुकड़े हीरो के हैं, और इन्हीं हीरो की कीमत 150 करोड़ बताई जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों के उस वक्त होश उड़ गए जब एक शख्स के सामान की तलाशी ली गई। दुबई की यात्रा पर निकला भारतीय शख्स अपने बैग में चाय पत्ती लेकर जा रहा था, लेकिन जब सामान की तलाशी ली गई तो कस्टम अधिकारी भी हैरत में पड़ गए। उसी दौरान चाय पत्ती के पैकेट से एक के बाद एक हीरे से भरे कई पाउच निकले। आरोपी शख्स ने हीरो को एक चाय के पैकेट के अंदर बड़ी चालाकी से छिपा रखा था, लेकिन कस्टम अधिकारियों के सामने उसकी चालाकी पूरी तरीके से फेल हो गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार का यह मामला बताया जा रहा है। आरोपी शख्स दुबई जाने वाली फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। 9 अगस्त को मुंबई एयरपोर्ट पर वो लगेज के साथ पहुंचा था। अधिकारियों को उस पर शक हुआ और बाद में उसके सामान की तलाशी ली गई, जिसके बाद हीरा तस्करी से पर्दा उठ गया। स्कैनर में लगेज के अंदर संदिग्ध इमेज नजर आई, फिर कस्टम की टीम ने मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से जांच की तो फिर डायमंड तस्करी का खुलासा हो गया। 1569.6 कैरेट के हीरे चाय के पैकेट में छिपाए गए थे। बाद में आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एयरपोर्ट पर तस्करी की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं, और तस्कर नए नए तरीके भी आजमा रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर भी यह शख्स कस्टम अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी चालाकी उस पर भारी पड़ गई और अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। रिपोर्ट न्यूज 18। घर वालों से झूठ बोलकर अंजू पाकिस्तान गई। वहां अपने प्रेमी से निकाह किया, लेकिन खबर यह आ रही है कि अब अंजू का मन पाकिस्तान में नहीं लग रहा है। आखिर क्यों, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान गई अंजू ने अपने घर वालों से झूठ बोला। पाकिस्तान जाकर नसरुल्लाह के साथ निकाह किया। अंजू पूरी तरह से पाकिस्तान के रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही है। उसे कभी फ्लैट तो कभी महंगे महंगे गिफ्ट मिल रहे हैं। पाकिस्तान ने उसे सिर आंखों पर बिठा कर रखा है। लेकिन इसी बीच ये खबर भी आ रही है कि अंजू का अब पाकिस्तान में मन नहीं लग रहा। उसे अपने बच्चों की याद आ रही है, वो उनके बिना पाकिस्तान में बहुत ही अकेला महसूस कर रही है। अंजू भारत लौटना चाहती है ताकि वो अपने बच्चों से मिल पाए। भारत में अपने दो बच्चों को छोड़कर गई अंजू को अब उनकी फिक्र सताने लगी है। ये बात भी सामने आई है कि अंजू इस बात से काफी दुखी है कि उसकी वजह से उसके घर वालों ने काफी कुछ सहन किया, लेकिन भारत वापस आना अंजू के लिए आसान नहीं है, क्योंकि भारत में उसके पहले पति अरविंद ने उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ दी है। अंजू के खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज कराई। अरविंद की शिकायत पर जो FIR दर्ज की गई है, उसमें अंजू पर धोखा देने का आरोप लगाया गया है। अरविंद ने अंजू पर शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी कर धोखा देने का इल्जाम लगाया है, और साथ ही अंजू के द्वारा फोन पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। अंजू पाकिस्तान में वीजा लेकर गई है, जिसकी मियाद 20 अगस्त को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब उसके लौटने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे।
क्योंकि पाकिस्तान ने उसका वीजा एक साल के लिए बढ़ा दिया। हालांकि इसके पीछे पाकिस्तान की चाल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश भी इसके पीछे हो सकती है। अरविंद ने भी इसी ओर इशारा किया है। अब उस संभावना पर ब्रेक लग गया है जिसमें कहा जा रहा था कि हो सकता है कि बच्चों की खातिर अंजू इसी महीने भारत लौट आए। पहले अरविंद का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने अंजू के भारत लौटने पर केस करने की बात कही थी। परिवार से झूठ बोलकर अंजू भारत से पाकिस्तान पहुंची। उसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा में अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह के घर पहुंची। अंजू ने 25 जुलाई को नसरुल्लाह से निकाह कर लिया था। दोनों साल 2019 में फेसबुक पर दोस्त बने थे। नसरुल्लाह से शादी के बाद पर अरविंद ने यह भी कहा था कि अंजू दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकती जब तक वो दोनों अलग नहीं होते। कानूनी तौर पर अभी भी वो दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन अब अंजू अपने बच्चों के बिना नहीं रह पा रही। अगर वो भारत आती है तो उसे कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हिंदुस्तान के बॉर्डर में वायुसेना के बाहुबली को तैनात कर दिया गया है। हैरान मार्क 2 ड्रोन चीन और साथ ही पाकिस्तान की हरकत पर अब जमकर खबर लेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय वायुसेना को मिला गेम चेंजर, अब लड़ाकू ड्रोन करेगा हौसले पस्त। चीन और पाकिस्तान के लिए सरहद से बहुत ही बुरी खबर आई है, क्योंकि दोनों देशों पर नजर रखने के लिए भारतीय सीमा के पास हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को तैनात कर दिया गया है। 15 अगस्त से ठीक पहले वायुसेना ने अपने बेड़े में ऐसे हथियार को शामिल किया है जिससे दुश्मनों की शामत आ जाएगी। इसे भारतीय वायुसेना के उत्तरी क्षेत्र के एक फॉरवर्ड बेस पर तैयार किया गया है। लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन एक ही उड़ान में पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ पूरी सीमाओं को कवर करने की क्षमता रखते हैं। जरूरत पड़ने पर मिसाइल भी दाग सकते हैं। हेरॉन सीरीज के ड्रोन पहले से ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हैं, लेकिन अब हेरॉन मार्क 2 के आने से हमले की क्षमता और बढ़ गई है। ये लंबी दूरी की मिसाइलें समेत दूसरे हथियारों से भी लैस है। ये ड्रोन एक बार में 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं और 277 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। किसी भी मौसम और दुर्गम इलाकों में काम कर सकते हैं। इस पर एयर मिसाइल और एंटी टैंक हथियार भी लगाए जा सकते हैं। इसमें थर्मोग्राफिक कैमरा, एयरबोर्न सर्विलांस विजिबल लाइट रडार सिस्टम भी लगा होता है। ड्रोन को इजरायली ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। इंडियन एयरफोर्स अपने चीता प्रोजेक्ट को लगातार आगे बढ़ा रही है, इसलिए इजरायली हेरॉन ड्रोन को अपग्रेड किया जा रहा है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी लैस है। इनसे एक ही उड़ान में कई मिशनों को अंजाम दिया जा सकता है और एक साथ कई सेक्टरों पर निगाह भी रखी जा सकती है। खास बात यह है कि इन ड्रोन को किसी तरह से भी जैम नहीं किया जा सकता। इसमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी है जो पहले के ड्रोन की तुलना में काफी दमदार है। इट्स द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, यू रियली हैव टू फ्लाई इट टू बिलीव इट। इट हैज मोर एनहांस्ड एवियोनिक सूट and also more powerful engine which can make us fly over the Himalayan ranges and address both eastern and western adversaries, and it can also fly in sub-zero temperatures in any weather conditions. वही श्रीनगर की एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने फाइटर जेट MiG-29 को तैनात किया है, जो चीन और पाकिस्तान की चुनौती से निपटने के लिए बखूबी अपने काम को अंजाम देंगे। दोनों देशों की पल पल की खबर रखेंगे। अगर सीमा पार से कोई हरकत हुई तो उसके बाद ऐसा प्रहार करेंगे कि दुश्मन का दम निकल जाएगा। कश्मीर घाटी में भारतीय सेना को पाकिस्तान और चीन से दो मोर्चों पर जंग लड़नी है। ऐसे में वायुसेना के बेड़े में नए नए विमानों को जोड़ा जा रहा है। साल 2020 में चीन के साथ गलवान में टकराव हुआ था, जिसके बाद लद्दाख सेक्टर में भी MiG-29 तैनात किया गया था। अब लद्दाख में चीन की तरफ से गुस्ताखी की गई, तो यही MiG-29 उस पर कहर बनकर टूटेगा। भारतीय सेना को लगातार मजबूती दी जा रही है। 15 अगस्त के दिन पीएम मोदी 3 एकीकृत थिएटर कमान की घोषणा भी कर सकते हैं। दरअसल एकीकृत थिएटर कमान के जरिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना में बेहतर तालमेल बनाने की योजना है, जिस पर सरकार CDS की नियुक्ति के बाद से लगातार काम कर रही है। फिलहाल तीनों सेनाओं के लिए 17 कमान बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
सोशल मीडिया पर एक बंदर का वीडियो वायरल हो रहा है और इसको भी रील्स का चस्का है। देखिए आप, सोशल मीडिया की दुनिया भी अजीब है। यहाँ कब और किस तरह का वीडियो देखने को मिल जाए इसका पता नहीं चलता। हम आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने जा रहे हैं जो अपने आप में हैरान करने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक पल के लिए दंग रह जाएंगे। अगर हम आपसे कहें कि एक बंदर को मोबाइल चलाने की लत लग गई है तो क्या आप यकीन करेंगे? जरूर इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ये बंदर तो कुछ ऐसा ही कर रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बंदर आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि बंदर के हाथ में मोबाइल फोन नजर आता है और बंदर ने इंसानों की तरह कपड़े भी पहने हैं। वो जिस तरह से लेटा हुआ है उससे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इंसान हो। ये वीडियो अपने आप में हैरान करने वाला है। बंदर की ऐसी हरकत देखकर कोई भी चौंक जाएगा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बंदर मोबाइल पर वीडियोस देख रहा है। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है और वीडियो पर लोगों की खूब प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक यूजर ने लिखा कि इसके सोने का स्टाइल बहुत अलग है, ये अपने आप में चौंकाने वाला है, ऐसे तो सिर्फ इंसान ही सोते हैं। वहीं एक यूजर का कहना है कि वो ये क्यों भूल रहे हैं कि हमारे पूर्वज भी कभी बंदर थे।